हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा कैसे अपने जीवन को जिया जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे बात किया जाता है। न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल है। तो दोस्तों, आप अगर इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। बेसिकली जो इमेज आप लोगों के पास पहुंचा था, उस इमेज का हेडलाइन क्या था? ठीक है, मैं आप लोगों को तीन मैटर देता हूं और एक्चुअली जो भी मैटर्स हैं ना, इन लोगों की एक्सप्लेनेशन बहुत बड़े बड़े हैं, वो शायद एक सिस्टम में हम लोग कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग शॉर्ट शॉर्ट चीज़ों से करेंगे कि शॉर्ट चीज़ों में जैसे जैसे कंप्लीट कर पाए, है ना। तीन चीज़ें बताता हूँ, मुझे लगता है कि इन चीज़ों की नीड है आपको। सबसे पहला, व्हाट इज द माइंड, हमें पता लगे कि हमारा माइंड है क्या। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। और तीसरा, उसको बहुत सारे तरीके से बोलते हैं, हम लोग मेंटली कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखें। इन तीनों चीज़ों की नीड होती है ना हमें, है ना यार। प्लीज तेज बोले, यस और नो, है ना। इसमें डरने वाली तो कोई बात है नहीं। और मैं आप लोगों से पहली बार मिला हूं, अगर इस बार पसंद नहीं आया तो दूसरी बार मुझे आने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा, है ना। तो अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूंगा ना मैं, ताकि दूसरी बार आप लोग बुलाए, क्योंकि मैं पैसे लेने वाला नहीं हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो इन तीनों में से किसके ऊपर सबसे ज्यादा आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को नीड है, हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्या है? व्हाट इज द माइंड, ठीक है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, और तीसरा है हम अपने माइंड को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, अपने माइंड को कैसे स्टोर करके अच्छे तरीके से अच्छे जगह पे यूज कर सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि हम मेंटली स्ट्रांग कैसे रह सकते हैं, वो डिस्कशन डिस्कस करना ज्यादा बेहतर है, या टाइम मैनेजमेंट कैसे मैनेज कर सकते हैं वो ज्यादा बेहतर है, या माइंड हमारा क्या है वो क्या है इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट कितने लोग जानना चाहते हैं? हाँ भाई, देखिए मुझे देख के अगर मान लीजिए, चलिए हाथ नीचे करिए, अगर मेरा आई कांटेक्ट आपसे होता है तो इसको देख के हाथ नहीं उठाना, है ना। आपकी अपनी इच्छा क्या है ये ज्यादा जरूरी है। मैं क्या बोलता हूँ और मैं क्या बताता हूँ उससे आपका क्या लेना देना है? मैं बाइक से आया हूँ, हेलीकॉप्टर से आया हूँ, उससे आपका कोई लेना देना तो नहीं है ना सर, है ना। आप किस चीज से आते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ना। तो आपका अपना प्रो होना चाहिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। आप लोगों का जो भी मुझे समझ आया कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। इसमें से सुबह 4 बजे कितने लोग उठते हैं? कोई? ठीक है, 6 बजे, ठीक है। आप लोग का स्कूल कितने बजे होता है? 9 बजे, ठीक है, 6 और 3, 9, ठीक है। आप लोगों ने 4 बजे उठने का एक ना अपना सिस्टम बनाइए, उसका रीजन बताता हूँ क्यों। देखिए, आप लोग सोते कितने बजे से? 10-11 बजे, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि हम लोग ना 9 बजे मोस्टली भोजन कर लेते हैं, 9 या 9:30 बजे तक, ठीक है। 10 बजे के बाद 1 घंटा हम लोग अपना फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा, कुछ लोग बैठ के पढ़ते भी होंगे, है ना। तो स्क्रॉल करने के बजाय, अच्छा जब हम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं या यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वहां पर रील्स आती है, ठीक है। किसी ने स्टाइल में ऐसी चीजें दिखा रहा होता है, कोई अच्छी चीजें बता रहा होता है। तो डिपेंड करता है ना कि जिस टाइम आप इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे होते हैं उस टाइम आप कौन सी रील देखते हैं। जस्ट टू फील समथिंग, आप जिस टाइम इंस्टाग्राम की रील देखते हैं आप 15 मिनट उसमें देते हैं, 20 मिनट, आधा घंटा देते हैं, उस आधे घंटे में आप क्या देखते हैं? आप सोच के देखिए, इंटरनेट का जो फोन का इंटरनेट है वो तो यूज होगा ना सर, चाहे हम डांस देखें या हम अपने कोई जानकारी की चीजें देखें, इंटरनेट यूज होगा, ठीक है सर। बट हम क्या करते हैं कि हम ना उस टाइम इंटरनेट यूज उस लिए करते हैं कि हम अपने आप को ना एंटरटेन कर सके,
बट दिस टाइम इज द नॉट इम्पोर्टेंट फॉर कि आप अपने आप को एंटरटेन करें। आप लोग की एज क्या होगी? 17 से 18 बस, यही ना? आप सोच के देखिए, ईशान किशन क्रिकेट खेलने वाले तो बहुत लोग होंगे ना, ईशान किशन को आप लोगों ने देखा है? अभी टोटल 24 साल का एज है उसका, ठीक है, कितना बड़ा बन गया, ठीक है। आप सोच के देखिए, अगर आज से आपको ये बोला जाए, ठीक है, कि आपको ईशान किशन बनना है, इट्स अ पॉसिबल? नो ना। क्यों? क्योंकि आपने ना अपना टाइम मैनेज नहीं किया। अगर आज आप हो और आज से ठीक 10 साल पहले अगर आपने ईशान किशन बनने के लिए सोचा होता तो आज के 5 साल बाद आप ईशान किशन बन सकते थे। ये मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, ऐसा हो सकता था ना, बट आपने अपने जो 10 साल थे ना वो बर्बाद कर दिए, आपने उस 10 साल को यूज किया ही नहीं। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग स्कूल आए और स्कूल से घर गए और उसके बाद से जो भी हमें कार्य करने हैं, चलो पापा के बिजनेस में काम हेल्प करा दिया या जाके घास काट के लेके चलिए, नहीं मतलब जो भी है ऐसा कुछ भी, जो भी हमारे, देखिए हम लोग देहात के हैं, है ना, तो यहाँ पे सारे काम करने पड़ते हैं और हम करते भी हैं, करना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। आप लोग ना अपने टाइम को मैनेज नहीं करते हो। किसी ने भी, अच्छा इस पूरे क्लास में किसी ने ये अपना टारगेट फिक्स किया है कि 12th के बाद मुझे क्या करना है? कितने लोगों ने? ठीक है, क्या मैं जान सकता हूँ? ये खड़ा होकर मुझे बताएगा कि मैंने अपना ये टारगेट सेटअप किया है सर कि मैं 4 साल बाद मुझे यहां जाना है। चले कोई भी एक खड़े बताइए, बताइए एनीवन, ये UPSC, ठीक है। आपने अपना क्या सेटअप किया है कि आज आप 11th में हो, ठीक है, और 11th के कितने साल बाद आप यूएससी कंप्लीट कर लेंगे? सबसे पहली बात, जब हम बात कर रहे होते हैं ना लाउडली, बोलो डरना किस बात का है? किस बात का डरना है? ऐसे बोलो ना कि सामने वाला देख के टेंशन में पड़ जाए, क्या खाते हो भाई? आप समझ रहे हैं ना, ऐसा आवाज निकलना चाहिए अंदर से, ठीक है। चलिए बैठ जाइए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग अभी जहां पे होना है, यहां से हर एक मिनट का ना बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंसी है, इतना इंपॉर्टेंसी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं यहां पहुंचा हूं 12:57 पे, 1 बजे मुझे आप लोग को अटेंड कर रहा था ना, मैं 12:57 बैठा हूँ। उसका रीजन ये था कि जब मैं निकल रहा था उससे पहले 2-3 लोग आ गए थे और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था, मैंने उन लोगों को 10-10 मिनट दिया और मैंने उनसे हाथ जोड़ा, सर प्लीज मैंने बच्चों को समय दिया, मुझे जाना है, और मैं फटाफट बाइक चला के, बस कार नहीं है तो बाइक है, बाइक चला के चला आया आप लोगों के पास, ठीक है सर। तो मैंने अपने टाइम को ना कंज्यूम किया। अब मैं बाइक 90 की स्पीड में चला रहा था या 10 की स्पीड में चला रहा था वो मेरी प्रॉब्लम थी। मैंने आप लोगों को समय दिया हुआ है तो मुझे आपके समय पे आपके पास पहुंचना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट कि मैं 10 की स्पीड से आ रहा था या 100 की स्पीड से आ रहा था। इंपॉर्टेंट ही क्या थी कि आप लोगों को टाइम पे पहुंचना है आप लोगों के पास। देखिए अभी ना हम लोगों ने अपना कोई भी टारगेट सेटअप किया ही नहीं है, दिस इज द बिग प्रॉब्लम, और हम लोग ना अपने टाइम को बहुत ही बुरे तरीके से खराब कर रहे हैं, और इतने बुरे तरीके से खराब कर रहे हैं आप लोग डीपली जाके सोचोगे ना तो परेशान हो जाओगे आप लोग, यार हम कर क्या रहे हैं यार, ये क्या है? अभी हम लोग जहां पढ़ रहे हैं इसकी फीस कितनी है ये हमें पता है, इसकी फीस आती कहां से है ये हमें इसका कोई लेना देना नहीं होता है। हमें अगर 10 रुपए हमारा पॉकेट खर्चा है तो हम घर जाके मम्मी पापा से बोलते हैं प्लीज दे दो, ठीक है, अब मम्मी बोलना पैसा नहीं, एकदम पापा बोले नहीं ये रोज लेके जाते, समझ में आया प्रॉब्लम है, तो चलो पापा दे दिए 10 रुपया। लेकिन आपने कभी इमेजिनेशन किया ऐसे कि वो पापा 10 रुपये कहाँ से लेके आते हैं? कुछ ही लोग फील करते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को फील नहीं करते हैं। आप सोच के देखिए हमारे पापा कहाँ से वो पैसे लेके आते हैं कि हमें देते हैं? ये जो सूट हम पहन के आते हैं ना, ये सूट पापा ने शायद नहीं पहने होंगे लेकिन बेटे को सूट पहनाते हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं अगर अपने बेटे को सूट पहनाऊंगा ना तो वो अच्छा फील करेगा और कुछ अच्छा करेगा। लेकिन बच्चा क्या करता है, सूट पहन के आता है और स्कूल में जब मास्टर साहब नहीं होते हैं तो पढ़ने के बजाय आपस में गपशप कर रहा होता है। देखिए मैं क्या बोलता हूँ ना कि आप घर पे जाके मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। आपको ना एक सबसे ईजी पॉइंट पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा डीप है, मजा आ जाएगा। गाना सुनते हैं आप लोग? चले कुछ लोग नहीं सुनते, जैसे इन्होंने गर्दन हिला के मैं गाना नहीं सुनता, चलो ठीक है। जो लोग गाना सुनते हैं, ठीक है, सबसे पहली बार कोई गाना मार्केट में आया उस मार्केट का ना ही हमें लिरिक पता था
ना ही हमें उसका म्यूजिक पता था, ना ही हमें उसका वर्ड पता था कि क्या है। हमें कुछ नहीं पता होता है। वो गाना कल मार्केट में लॉन्च हुआ और जैसे हमने उस गाने को सुना, जैसे हमने उस गाने को सुना और वो गाना हमें अगर पसंद आ गया तो ठीक 30 सेकंड के अंदर, हमने उस गाने को बेशक 30 सेकंड सुना लेकिन उस 30 सेकंड के अंदर तुरंत वो गाना हमें याद आ जाता है। इट्स अ ट्रू ना? मैं आप लोगों को सही बोल रहा हूँ, ठीक है? ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इसको इंटरनल पावर बोलते हैं, माइंड को बोलते हैं, इसको माइंड बोलते हैं सर। आप सोच के देखिए, जब आप वो गाना सुन रहे होते हैं उस टाइम आपका कौन सा माइंड वहां काम करता है कि हम रट्टा लगाते हैं ये क्वेश्चन को, 3 दिन में सब याद नहीं होता है लेकिन वो गाना 30 सेकंड में तुरंत याद हो जाता है। आपने इमेजिनेशन किया है कभी? आप सोच के देखिए, वो गाना अगर 30 सेकंड में याद हो जाता है तो जिस समय हम वो गाना सुन रहे होते हैं उस टाइम जो हमारा परसेंट ऑफ माइंड वहां काम कर रहा होता है, अगर वो परसेंट ऑफ माइंड जिस टाइम सर यहाँ पे एग्जांपल्स बता रहे होते हैं उनके केवल एक एग्जांपल को अगर हम लोग ध्यान से देख लें तो वो एग्जांपल तुरंत हमें याद हो जाएगा। इट्स राइट ना? और अगर वो एग्जांपल हमें याद हो गया तो फिर दोबारा पढ़ने क्या जरूरत है भाई? नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? हमको एग्जाम्पल याद है तो हम जाके पेपर में सॉल्व कर देंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना उस टाइम उस माइंड को यूज ही नहीं करते हैं। हम लोग उस माइंड को वहां यूज करते हैं जहां पे मूवी में वो सीन चल रहा था। यार बड़ा खतरनाक सीन था वो सीन ना, पूरे 2.5 घंटे मूवी के अंदर का वो एक सीन 30 सेकंड या 1 मिनट का सीन हमें याद रहता है लेकिन इस पूरे सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस और कितनी चीजें पढ़ाई गई वो हमें याद नहीं रहता। दूसरे दिन सर ये आपने जो बताया था ना, समझ में नहीं आता सर, एक बार प्लीज सर का काम है बताना, सर आपको बताते हैं। आप सोच के देखिए ना सर, जिस टाइम आप लोग कर रहे होते हैं अगर आप उस टाइम थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देते हैं तो तुरंत आपको याद हो जाता है, बट हम ऐसा नहीं करते। देखिए आप लोगों को ना एक अपनी बात बताता हूं, मेरे ना 2 जिम, ठीक है सर? जब अभी खूब ठंड पड़ रही थी तो उठने का मन किसी का नहीं करता, मैं भी आप ही लोग जैसे इंसान हूँ, नींद मुझे भी आती है, उठना मैं भी नहीं चाहता हूँ सुबह ठंड में, लेकिन मैं उठता हूँ। पता है क्यों उठता हूँ? परिस्थिति मैंने ऐसी पैदा कर रखी है ना कि मैं मजबूर हूँ उठने के लिए, मैं जिम की चाबी अपने पास रखता हूँ और वो परिस्थिति ऐसी होती है कि मुझे पता है कि मेरे लिए ना 20 लड़के वहां वेट कर रहे होते हैं तो मेरी मजबूरी है कि मुझे उठ के वहां जाना है। यार अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ना परिस्थिति ऐसी पैदा कर दीजिए कि आप मजबूर हो जाए उठने के लिए। आप परिस्थिति पैदा करना सीख लीजिए ना, आप परिस्थिति को पैदा करिए, आप मजबूर हो जाएंगे करने के लिए। अच्छा हमें अगर क्रिकेट खेलना होता है, मैं आपको अपनी थोड़ी सी पुरानी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं पढ़ता था ना 11th में, ठीक है सर, तो 11th में तो चलो मैं नौकरी करने चला गया था, छोड़ दूंगा। 10th की बात बताता हूँ, 9th और 10th में जब मैं घर जाता था तो घर पे मेरे 2 काम होते थे, पहला घास काटना और दूसरा क्रिकेट खेलना, ठीक है सर? तो अब कर रहा दोनों होता है, अगर मैं क्रिकेट खेलने नहीं गया तो मैं अंदर से खुश नहीं होऊंगा, छक्का मारने रहा हूँ, गड़बड़ाएगा मामले। सोचिए देखिए बहुत, मतलब अंदर से कितनी खुंदक आती है, मैं नहीं गया वहां खेलने या ऐसा सारी चीजें, ठीक है? और अगर घास काट के घर लेके नहीं गए तो फिर घर वाले आपका क्या करेंगे ये आप भी नहीं सोच सकते हैं, है ना? ऐसा होता था कभी कभी तो मैं घर से बाहर भी निकाल दिया जाता था, तो वहां पर अच्छा क्या होता था कि अगर बड़े भाई को बाहर निकाल, हम 2 भाई तो बड़े भाई को अगर घर से बाहर निकाल दिया जाता था तो छोटा भाई घर के अंदर रहता था तो फिर समझौता हो जाता था और फिर घर में चले जाते, ठीक है सर? सोच के देखिए हम लोग कैसे अपने टाइम को वहां तो मैनेज करते थे ना टाइम को, और ये परिस्थिति आप सभी लोगों के साथ रोज घटती है, रोज, ऐसा कभी नहीं है जब नहीं होता है। आप लोगों को ना एक बात बताऊं, जंगल जो होता है ना, जंगल, जंगल में जब आग लगता है ना, आग, ठीक है सर, तो जब जंगल में आग लगता है ना तो एक हाथी ऐसा जानवर है ना जो जंगल से बाहर नहीं भागता, उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसके पैर बहुत मोटे होते हैं और वो सबसे तेज नहीं भाग सकता है। वो पता है क्या करता है, वो जंगल के अंदर तालाब ढूंढता है और क्या करता है, वो तालाब के अंदर जाके बैठ जाता है, बीचों बीच जाके बैठ जाता है। अब बाहर आग कितनी भी लगे, आग से क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क पड़ना है क्या?
अब आग कितनी भी लगे, हाथी तो पानी के बीच में बैठा है ना, अब सारे जानवर भाग रहे हैं, कोई जले या भागे वो उसकी प्रॉब्लम है। तो भाई हाथी बनो ना, ढूंढो तालाब कहाँ है, उसके बीच में जाके बैठ जाओ, अगल बगल वाले लोगों को जलने दो, वो उनकी प्रॉब्लम है ना, उनका काम है जलना भाई। अच्छा मेरे बारे में आप बुरा सोचते हैं, उससे मेरा क्या लेना देना है, मैं आपके बारे में बुरा सोचूंगा नहीं, आपके इस बारे में बुरा सोचने से बेहतर है मैं अपने बारे में अच्छा सोच लूंगा। आप समझ रहे हैं, अपने टाइम को ना कंज्यूम करिए, और कंज्यूम जितना अपने टाइम को कंज्यूम करेंगे ना उतना प्रॉफिट आपका होने वाला है बॉस। मैं आपको ना एक जीवन की सबसे अच्छी सच्चाई बताता हूँ, मेरी उम्र आप लोगों से 2 गुना है, ठीक है सर। तो आपको ना एक बात बताता हूँ, जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, आप लोग कितना भी यूट्यूब चैनल पे मोटिवेशनल स्पीच देख लोगे, ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, आई एम श्योर फॉर दैट, नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ना कहीं से रट्टा मारा हुआ बात नहीं है, ये अंदर की भड़ास है जो बाहर निकाल के आप लोगों को बताई जा रही है। समझ रहे हैं सर, देखिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा मान लीजिए कि जब आप लोग कोचिंग पढ़ने सुबह कितने बजे जाते हैं, अब 4 बजे कोई उठता ही नहीं है तो घर में कौन जाता है, कोई जाते ही नहीं होगा ना। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं रोज सुबह ना साइकिल से जिम जाता हूँ, मैं रोज सुबह साइकिल से जिम जाता हूँ, और अच्छा एक टाइम ऐसा था जब ना मेरे साइकिल का चैन कवर नहीं हुआ करता था, अभी ना मेरे पास ऐसा माइंड मत करना, मेरे पास 18,000 की साइकिल है और वो केवल 3 महीने यूज होती है ठंड में जिम जाने के लिए, उसके बाद वो साइकिल फिर घर में रहती है, मम्मी घर आती है बेचते, कभी नहीं हूँ मैं, फिर ठंड में यूज करता हूँ, ऐसा होता है ठीक है। जब मैंने ये फील किया, जो मैंने फील किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जब मैं साइकिल से जिम जाता था ना, तो इतनी धुंध होती है, इतनी ज्यादा धुंध होती है कि आपको ना केवल इतना ही आगे तक दिखता है, इससे आगे कुछ दिखता नहीं है ठीक है। और अब जब आपको इतना ही आगे दिखता है, आगे कुछ नहीं दिखता, तो आप तो डिस्टर्ब हो सकते हैं ना इधर उधर के लिए, तो वहां पे आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं, रास्ते के बीच में एक व्हाइट लाइन होती है लगभग हर जगह, उस व्हाइट लाइन को ना छोड़ो क्योंकि वो बीच में होती है भाई, उस व्हाइट लाइन को ना फॉलो करना स्टार्ट करो, आप कभी गड्ढे में जाके गिरोगे नहीं। आप समझ रहे हैं, व्हाइट लाइन को देखना स्टार्ट करिए, और व्हाइट लाइन को देखते देखते आप वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे जहां तक आपको जाना है। जब मेरा टारगेट है, मुझे अचीव करना है, तो मुझे अगल बगल वाले लोगों से क्या लेना देना है, वो रोड के अगल बगल है ना, मैं तो बीच में हूं, मुझे सीधा जाना है ठीक है। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि जो आपका टारगेट है वो आप 4 साल में पूरा कर लीजिए या 5 साल में पूरा कर लीजिए, नॉट इम्पोर्टेंट। और ये मैं आपको गारंटेड बताऊं, जो भी इमेजिनेशन हम करते हैं कि हम ये कार्य यहां जाके कर लेंगे, उसमें से ना 95% वो कार्य नहीं होता है, 5% तो अचानक हो गया, तुक्का लग गया तो हो गया, नहीं तो 95% नहीं होता है ठीक है। उस कार्य को करना है, करना तो जरूरी है, करना है ही, उस कार्य को करने के लिए ना हम लोग ये ना सोचे कि वो कार्य होगा नहीं, पता है आपको करना क्या है, उस कार्य को करने के लिए ना आपके पास तरीके बहुत सारे होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास एक प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम में बता क्या आती है क्या कि मैं आपके पास आ रहा हूं, नहीं ना, प्रॉब्लम अचानक आती है, आप ना फील करिए, आपके पास एक प्रॉब्लम आई और जैसे वो प्रॉब्लम आती है ऑटोमेटिक आपके माइंड में ना उसके 4 सॉल्यूशन आ जाते हैं कि अगर ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कर लेंगे, अगर ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कर लेंगे, अगर ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कर लेंगे, ऐसा होता है ना। आप बताइए 1 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है ना, तो प्रॉब्लम बड़ी है, सॉल्यूशन बड़ा है, तो प्रॉब्लम कभी बड़ी होती नहीं सर, कभी होती ही नहीं, वो हमारे अंदर की हौज पोज जो होती है ना वो बड़ी होती है यार, कैसे होगा, हो ही नहीं, मैं आपको सच्ची बताऊं वो हो सकता है। आप मैं आपको कोई भी ऐसी ज्ञान की बात नहीं बता रहा हूं जो मैं अलग से बता रहा हूं, मैं आपको बस वही बात बता रहा हूं जो आप सभी लोगों को पता है, आप में से कोई भी नहीं है जिसको ये बात नहीं पता है, सबको पता है, बट आप लोग ना उस चीज को यूज नहीं करते अच्छे जगह पे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ना, अगर इस तरीके से क्लास 11th में मुझे किसी ने समझाया होता ठीक है, तो लिटरली मैं आज यहां पे नहीं होता, मैं कुछ अलग ही लेवल पे होता, और मैं आज भी अलग लेवल पे हूं। मैं आप लोगों के पास पता है क्यों आया हूं, मैं अपने मन की बात बताऊं, मेरे पास पैसे हैं
मेरे पास अपना रुतबा है, लाल पे जाके आप संदीप मिश्रा का नाम पूछेंगे तो सब जानते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में संदीप मिश्रा का नाम पूछेंगे तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। मेरे छोटे वाले भाई आज के ठीक 10वें दिन बाद आमिर खान के साथ मूवी करने जा रहे हैं लंदन में, वो राइटर है, ठीक है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के पास बस इसलिए आना चाहता था ना, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है ना सर, वो प्रॉब्लम आप लोग फेस ना करें। जो जानकारी मुझे नहीं मिली थी ना, वो जानकारी आपको मिल जाए, और शायद हो सकता है मेरी इतनी सारी जो भी मैं बातें इधर उधर की फालतू कर रहा हूं आप लोगों के साथ, शायद उसमें से कोई एक बात आपको अच्छी लग जाए और आपके काम आ जाए। क्या दे दोगे मुझे? जरूरी है क्या कि मेरा आपके घर से न्योता चलने वाला है? जरूरी तो नहीं है ना। अगर आप कल बड़े बन जाते हो भाई तो संदीप की तरह को याद रखोगे नहीं रखोगे, जरूरी तो है नहीं ना, ठीक है। लेकिन शायद एक कोई बात है जो आपके अंदर घुस जाए और वो आपके काम आ जाए। तो मैं अगर 45 मिनट देता हूं ना, अभी मैं आपको एक कल का गुड न्यूज बताता हूँ। पूरे देवरिया जिला में पहला ऐसा संदीप मिश्रा का जिम है जहां से एक लड़के ने दिल्ली एनसीआर में जाके बॉडी बिल्डिंग में 3rd स्थान प्राप्त किया। इस पूरे देवरिया जिला का पहला मेरा जिम, कल वो लड़का आ जाएगा। सोच के देखो, देवरिया लार टाउन में मेरा जिम है, लार टाउन से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है, इसके अंदर कितनी गट्स मैंने भरी होंगी कि ये लड़का यहां से उठा, जनरल डब्बे में बैठा, वहां गया बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और जीत के आ जा रहा है। आज सुबह मैं 2 किलो मिठाई उसके घर पे लेके गया, उसके पापा की साइकिल की दुकान है, उसके पापा से साइकिल मैंने खुद अपनी बनवाई है, आज भी वो साइकिल की दुकान चला रहे हैं और उनका बेटा जाके बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीत के आया। सोच के देखो मैंने उसके अंदर क्या भरा होगा। अब वो जीत के अगर आ गया, उसको अगर 10 रुपए की इनकम होगी तो मुझे देगा क्या? उसका जो पॉपुलेशन, उसका जो नाम होगा मुझे देगा क्या? वो बोलेगा गुरुजी हैं संदीप भैया, गुरुजी हैं मेरे, यही बोलेगा ना, इसके अलावा क्या बोलेगा? अच्छा मैंने इतना सारा बोला, आप लोगों को कुछ अंदर घुस रहे हैं? Yes, अगर घुस रहा है तो ठीक है, नहीं घुस रहा है तो फिर हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? अंदर कुछ घुस रहा है? अंदर से कोई क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं? चले हमें पानी पी लेता हूं और अपने क्वेश्चन तैयार करके बताइए क्या क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। मैंने बताया ना, इन तीनों टॉपिक के ऊपर अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सेशन होने चाहिए, तभी हम लोग ये सारे कंप्लीट कर पाएंगे। हम लोग एक सेशन में, देखिए अभी ना मैं आप लोगों को अगर एक सेशन किसी एक टॉपिक के ऊपर पूरा प्रॉपर समझाना स्टार्ट करूंगा बाय डीप जाके, तो वो हमारा एक ही सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, उसकी आप लोगों को नीड नहीं है। आप लोगों को ना सबका थोड़ा थोड़ा मिक्सअप चाहिए ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि आगे मुझे किस चीज की जरूरत है और मैं आगे क्या और सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं संदीप मिश्रा को फिर अपने स्कूल में बुला लूं। समझ रहे सर आप लोग? आप लोगों का पॉकेट खर्चा कितना होगा? 10, 20, 50 10 रुपए ना, 10 रुपए होगा ना, ठीक है। अच्छा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 10 रुपए जो लेता है वो जाके बर्गर ही खाता है, ठीक है, या 10 रुपए लेता है तो वो जाके कुछ गलत चीजें खाता है, हो सकता है वो 10 रुपए का 4 केला खरीद के भी खा सकता है जो फायदेमंद चीज है ना। बादाम तो 10 रुपए का नहीं मिलता है, वो एक ही बार खरीदना पड़ता है ना। तो आप जो 10 रुपए लेते हैं ना सर घर से, जो 10 रुपए आप लोग लेते हैं, आप लोगों ने कभी ये सोचा है कभी भी कि जो 10 रुपए हम लोग लेते हैं उस 10 रुपए को कहाँ यूटिलाइज करना चाहिए? अच्छा इसमें से कितने लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? खड़े हो क्वेश्चन नेम? करण गुप्ता। कुलदीप मलेशिया। किस टाइप का बिजनेस करने का प्लान है? याद है वो पहली बार संदीप मिश्रा से बात कर रहे हो ना, तो बिल अच्छा एक बात बताता हूँ। देखो अभी ना जब किसी को खड़ा होने के लिए बोलो ना तो खड़ा होने के लिए संकोच करता है, और जैसे हम यहाँ से बाहर जाएंगे ना आपस में झोटा झोटे को ना पता चलेगा। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ऐसा ही होता है सर, ठीक है, ऐसा हमने भी किया है, ऐसा नहीं किया आप लोग पहली बार कर रहे हैं, हमने कर लिया है ऐसी सारी चीजों को, ठीक है। चलो बताओ सर, बिजनेस करने से पहले प्रॉफिट आदमी देखता रहता है, कितना प्रॉफिट, जिसने ज्यादा होगा उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। तो दिस इज द नॉट अ बिजनेस, मैं समझा देता हूँ, बैठो। यस आप बताइए सर, किस चीज में इंटरेस्ट होगा ज्यादा? हाँ किस चीज में बिजनेस करने का इंटरेस्ट ज्यादा होगा वो करेंगे। कितने साल बाद ये इंटरेस्ट पैदा होगा आपके अंदर? अभी से करते हैं सर। ठीक है, क्या बिजनेस करते हैं?
सर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, अपना बिजनेस का मतलब मैं मार्केट में ना एक चीज लेके आ रहा हूँ और हो सकता है बहुत जल्दी बेल्थरा में भी आप लोगों को मिल जाए। मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज तो अभी बेल्थरा में इतना जल्दी नहीं आ सकता ना, लेकिन संदीप मिश्रा लेके आने वाला है। संदीप मिश्रा लेके आ रहा है इट्स अ बर्गर पॉइंट, और इट्स अ बर्गर पॉइंट के अंदर KFC, डोमिनोज, MBA चाय वाला और KFC, इन चारों के आइटम्स आप लोगों को मिलेंगे एज अ टेस्ट। मैं वो सारा खुद बना लेता हूँ, जैसे मेरी क्वालिटी जब जानना स्टार्ट करोगे ना आप लोग, या यूट्यूब पे या इंस्टा पे जब मेरे पास जाओगे तो आप लोग बोलोगे कि सही में संदीप सर आप सही में बहुत गड़बड़ आदमी, मतलब मिक्सअप है आप, बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, देखो मेरा एक रेस्टोरेंट है लाल में, ठीक है बैठ जाइए, मेरा एक रेस्टोरेंट है लाल में। मैंने प्लान किया, मैं ना आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। मैंने प्लान किया कि मार्केट में देखो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले इफ यू नीड कि आपके कंज्यूमर क्या है, यू नो व्हाट अ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स का मतलब समझ में आता है ना। ठीक है, तो सबसे पहले बिजनेस करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे कंज्यूमर्स कितने हैं वहां। ठीक है, हम जिस जगह पे बिजनेस करने जा रहे हैं वो लोकेशन कैसा है। ठीक है, आपने बोला ना कि अभी आपने कुछ प्लान किया कि आगे क्या बिजनेस करना है। सर बिजनेस मतलब क्वालिटी देखते मतलब किसी चीज की। सर जस्ट आई टेल यू, आप क्या बिजनेस करना चाहते थे, कुछ प्लान किया आपने। सर जैसे मार्केट में सब्जी भी होता है सप्लायर, तो मतलब उसकी भी नहीं है, तो मतलब एक चीज के लिए डिमांड जैसे मार्केट से भी कर लिए बास मंगा कर और सप्लायर प्रोड्यूस। आप लोग एक बात बताता हूँ, मार्केट में ना आज कल आप कुछ नया नहीं कर सकते, कुछ भी नया आप सोचे कि मैं नया कर सकता हूँ तो ये बड़ा इम्पॉसिबल टाइप से। देखिए करना क्या है, मार्केट में आप लोगों की पढ़ाई से थोड़ा सा अलग ही जा रहा है, लाइक दैट ऐसा समझ लो कि हम लोग एंटरटेन कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पे भी डिस्कशन कर रहे हैं। बिजनेस करने के लिए ना सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा आइडिया है वो आइडिया है कैसा। आप कुछ नया तो कर नहीं सकते ना सर, तो नया नहीं कर सकते तो नकल करना स्टार्ट कर दो ना, नकल अच्छे से करो ताकि मजा आए नकल करने में। मैंने क्या किया, बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स दोनों कंपनियां बर्गर बनाती हैं। मैंने आप लोगों को नाम किसका बताया, मैकडोनल्ड्स का क्यों बताया, उसका रीजन बताता हूं। आप बर्गर किंग का बर्गर पैक कराओगे ना तो वो पेपर होता है, उस पेपर में पैक करके देते हैं, और जब आप मैकडोनल्ड्स से बर्गर पैक कराओगे तो डब्बे में पैक करके देता है। जस्ट यू फील समथिंग कि आपके घर पे दो बर्गर पैक होके गए, एक पेपर में गया और एक डब्बे में गया, किसको प्रेफर करेंगे सर, डब्बे को ना। अब डब्बे में बताता हूँ, डब्बे में क्या होता है कि 1.5 रुपए का मार्जिन आपका कम हो जाता है। ठीक है, सोच के देखो 1.5 रुपए का हमारा मार्जिन अगर कम हुआ तो हमारे प्रॉफिट से गया ना, तो ठीक है भाई प्रॉफिट कम कमा लेंगे, मार्केट में अपनी वैल्यू जमा लेंगे, जब मार्केट में वैल्यू जम जाएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। आपको नीड किसकी है, वैल्यू की ना, मार्केट इमेज की नीड है, वैल्यू की नीड है, तो वैल्यू वही बना रहा है ना डब्बा, तो भाई डब्बा दे देंगे 1 रुपया कम कमा लेंगे, और 1 रुपया कम कमा के 10 सेल कर लेंगे। आप समझ रहे हैं, इसलिए मैंने मैकडोनल्ड्स का नाम आपको बताया। मैं बर्गर किंग का भी नाम बता सकता था, लेकिन मैंने बर्गर किंग को कॉपी ही नहीं किया, मैंने मैकडोनल्ड्स को कॉपी किया, क्योंकि मुझे मैकडोनल्ड्स बनना है, मुझे बर्गर किंग बनना ही नहीं है। अब मैं अपने रेस्टोरेंट में ना मैं कुकिंग भी कर लेता हूँ, मैं जाके कस्टमर का ट्रे भी उठा लेता हूँ, काउंटर बैठ के पैसे भी काट लेता हूँ, मुझे शर्म ही नहीं है, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ। लाल मार्केट में आप कहीं भी जाओगे ना, किसी से पूछोगे संदीप मिश्रा कौन है तो सब बता देगा, एक गरीब आदमी है जो इधर मिल सकता है। समझ रहे हो, अभी मार्केट लाल मार्केट है मेरा, करीब 45 से 50 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ पड़ा, लेकिन कोई सिंगल लड़का ये बोल नहीं सकता है कि संदीप मिश्रा के अंदर सिंगल परसेंट का आर्गुमेंट उसने देखा होगा, या उसने सिंगल परसेंट ये देखा होगा कि मैंने उसको कभी भी गलत बात सिखाया होगा। यार देखो मैं ना आपको एक जीवन की ना सबसे कड़वी सच्चाई बताता हूं, दूसरों के बारे में ना जिस दिन से तुम सोचना बंद कर दोगे ना, उस दिन से तुम अपने आप को बड़ा होना स्टार्ट कर दोगे। जितना टाइम हम तुमको तुम्हारे बारे में सोचने में लगाते हैं भाई, उतना समय अगर हम अपने बारे में सोचने में लगाएंगे तो सोच के देखो मेरा लेवल क्या होगा। तो भाई लेवल मेरा बढ़ेगा ना, लेवल मुझे अपना बढ़ाना है, तुमसे क्या लेना देना है भाई, तुमको जहां मर्जी वहां जाओ, हमें तुमसे क्या लेना देना है। समझ गए आप लोग, कुछ
अंदर गया, समझ में आया? हम लोगों ने कितना टाइम इन्वेस्ट किया होगा आप लोगों के साथ? आधा घंटा। आधे घंटे में क्या क्या समझ में आया? कुछ एक दो चीजें देखिए, आप लोग को भी बताना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं बताओगे तो फिर मेरी ना एक 5 साल की बेटी है। मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी 5 साल की बेटी है और जिस दिन वो पैदा हुई उसी दिन मैंने उसको पहलवान नाम बोल दिया और मैं आज भी उसको पहलवान ही बोलता हूँ। भोजपुरी के जितने बड़े एक्टर हैं ना, आज भी जब उसका हैप्पी बर्थडे का वीडियो बनाते हैं तो पहले पहलवान बोलते हैं, बाद में सिद्धि मिश्रा बोलते हैं। और मेरी बेटी आज के डेट में 15 डिप्स मारती है 5 साल की उम्र। 5 साल की उम्र में 15 डिप्स मारती है। उसका कॉपी खरीदने मैं कभी नहीं जाता हूँ, उसको पैसे दिए जाते हैं उसके बॉक्स में रख के और वो जाके स्कूल में मैडम को पैसे देती है और अपनी कॉपी खुद खरीदती है। आप विश्वास करिए, शायद आप लोगों को मजाक लग रहा होगा लेकिन मैं कभी नहीं खरीदता हूँ। मैं उसके वो जो होता है ना उसका बॉक्स जिसमें पेंसिल और रबर्स होते हैं, मैं उसमें उसकी पैसे रखवा देता हूँ और पैसे लेके स्कूल में जाती है और मैडम से बोलती है कि मैडम मुझे ये कॉपी चाहिए, मैडम को खरीद के लाके देती है। सोच के देखो, अगर वो आज ही से अपनी कॉपी खरीदनी स्टार्ट कर रही है तो उसको पता है ना कि मेरी कॉपी 30 रुपए की आती है। ठीक है सर, जब मैं खरीद के लाऊंगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि कॉपी उसकी 30 रुपए की है या 20 रुपए की है या 150 रुपए की है? सोच के देखो अभी से उसके अंदर क्या चल रहा होगा। आप लोग सोच सकते हैं, मैं जब एक्सरसाइज करवाता हूँ ऑनलाइन और सारे एक्टर्स लोगों को तो वो मेरे पास बैठ के देखती है। आप उससे पूछोगे ना कि बेटा वार्म अप कैसे करते हैं तो करके बता दे, बिल्कुल नहीं समझे। उसको जिम में जाना होगा ना तुरंत तैयार, पापा जिम चल रहा, चलिए। संडे को उसको पता है कि पापा घर पे सोते हैं, सुबह उठा के मुझे नदी लेके जाएंगे, पापा आज संडे है ना नदी चलते हैं। भाई अगर ये चीज मेरे अंदर उस साल की एज में आई होती ना तो शायद मेरा लेवल और ऊपर होता है। सोच के देखो मैंने वो अपना टाइम कितना खराब किया है। हम लोगों को अपना टाइम खराब नहीं करना है। हम लोग अपना जो टाइम खराब कर रहे हैं ना, इसका नुकसान जो होने वाला है ना वो आप लोग इमेजिनेशन करके बहुत ज्यादा पछताओगे कि हम लोग अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं। आप लोगों ने इस एज का ना एक थोड़ा सा अडल्ट है, इस एज का ना एक थोड़ा सा बिग प्रॉब्लम बताता हूँ, ठीक है, जो ना मुझे लगता है सबके अंदर थोड़ा थोड़ा सा होगा और आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना, है ना। तो हम लोग इसके बारे में भी बहुत डीपली डिस्कशन करेंगे और मैं आप लोगों को गारंटेड बोलता हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीजें ना आप लोगों के माइंड से बिल्कुल बाहर कर दूंगा, इतना बाहर कर दूंगा जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग? अब आप लोग बोर हो गए, है ना, ठीक है। चलिए हम लोग आज का सेशन यही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब बस मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि अभी देखिए सर क्या है कि मैंने अगर पैसे मांगने की कोशिश की होती आप लोगों से, अगर पैसे मांगता तो शायद आप लोगों को और लगता, मैं भी अगर आपके टेबल पे होता तो मुझे भी और लगता, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को फ्रेंकली बताऊं, वी हैव नो नीड एनी मनी, मुझे आप लोगों से कोई पैसे नहीं, ठीक है। मुझे आप लोगों से जो चाहिए मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को चीजें कितनी समझ में आ रही हैं? क्या आप लोगों को जो चीजें समझ में आ रही हैं इन चीजों के लिए आपको संदीप मिश्रा की नीड है या नहीं है, ये मैं अभी नहीं पूछूंगा आप लोगों से क्योंकि अभी तो आप लोग बोल देंगे हाँ है, वो मुझे जानना भी नहीं, ठीक है। आप लोगों के पास नोटबुक होगा ना? नोटबुक होगा छोटा वाला जो हम लोग ऐसे कुछ लिख के टक कर देते हैं, ठीक है। उसमें ना आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस नोट आउट करेंगे, ठीक है सर, सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस नोट आउट करेंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को नोट आउट करके, ठीक है, प्रिंसिपल सर के पास अपने अपने क्वेश्चंस देंगे। उससे मैं बताता हूँ मेरा होना क्या। पहला काम ये होना है कि मुझे ये पता लग जाएगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और उनके अलावा जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है उनका टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि मुझे अपने टाइम का वैल्यू बहुत पता है, ठीक है सर। तो जो लोग जानना नहीं चाहते भाई उनका टाइम क्यों बर्बाद करना, ठीक है। और जो लोग ये जानना चाहते हैं वो क्या जानना चाहते हैं ताकि अगली बार मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर, देखिए आज हम लोगों ने किसी एक टॉपिक पे कोई डिस्कशन किया ही नहीं, हम लोगों ने सब कुछ पे मिक्सअप किया, ठीक है। तो अगली बार अगर मुझे ये लगता है कि 30 लोगों का एक ही क्वेश्चन है तो उस 30 लोगों के एक क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपर तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे ताकि उस प्रॉब्लम को परमानेंट के लिए खत्म कर दें,
क्लियर सर, समझ में आ रहा है सर? तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को नोटबुक पे लिख के देना चाहिए? ठीक है, तो आप जितने लोगों को ये लगता है सर, ठीक है, कि हम लोगों को नीड है, वो सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। आज कितना तारीख है? 13 तारीख है ना? यस सर। आज दिन कौन सर? मंडे है। ठीक है, मैं ना फ्राइडे को सर के पास कॉल करूंगा। ठीक है सर, जल्दी नहीं है मुझे, और आपको भी होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आराम से सोचना समझना कि क्या हमें लगता है कि इस गलत आदमी की जरूरत है तो हम उसको यूज करें, और अगर लगता है कि नहीं इसका बिल्कुल बेकार रहा है, कोई मतलब ही नहीं, तो फिर क्यों यूज करना है ना? तो एक प्लान करिए, अपने अपने क्वेश्चंस नोट आउट करिए, और वो क्वेश्चंस नोट आउट करके आप लोग सर को देंगे। ठीक है सर, उसके ऊपर फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे अगर आप लोगों के पास आना होगा, मेरा वहां से यहाँ तक आने का 26 किलोमीटर पड़ता है, तो मैं अपने पेट्रोल फालतू में क्यों जलाऊंगा भाई? मैं 1.5 घंटे 1 घंटे क्यों यहाँ पे आके चिल्लाऊंगा? अगर आपको उसकी जरूरत नहीं होगी तो फिर ऐसा क्यों करेंगे? आप लोगों ने अभी 1 घंटे में पता नहीं कितनी पढ़ाइयां की होती, आप लोगों का भी टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? समझ रहे हैं? लास्ट में किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं है तो फिर आज का हम लोग सेशन यही कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने मुझे समय दिया, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।